हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर कई प्रकार के प्राकृतिक अजूबे मौजूद हैं, जिनमें से कुछ बेहद ही खूबसूरत और अद्भुत हैं तो कुछ बेहद ही विशालकाय है। चाहे हम बात करें माउंटेन्स की, झरनों की, खूबसूरत आइलैंड्स की, गहरी घाटियों की या फिर महासागरों की, ये सभी अजूबे अपनी विशालता और खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। पर बात जब पृथ्वी से परे हमारे इस विशाल सौर मंडल की हो, तो दूसरे ग्रह भी इसमें पीछे नहीं हैं। हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों और उनके मून्स पर कई ऐसे अजूबे मौजूद हैं जो कि हमारी सोच से भी कई ज़्यादा विशालकाय, खूबसूरत और अद्भुत हैं। एक ऐसा ही अविश्वसनीय अजूबा मौजूद है हमारे धरती के नज़दीकी ग्रह मंगल पर। दोस्तों, मार्स प्लैनेट को धरती से परे जीवन की सबसे ज़्यादा संभावनाओं से भरा हुआ माना जाता है, जहाँ भविष्य में मानव बस्तियाँ और कॉलोनीज बसाई जा सकती हैं। मार्स अपनी धरती की तरह ही एक रॉकी या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, जिसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ये सूर्य से चौथा और सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए हमने वहाँ कई रोवर्स और ऑर्बिटर्स भेजे हैं, जो कि कई सालों से इस ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। इसी अध्ययन के दौरान हमें मंगल ग्रह पर हमारे सौर मंडल के सबसे ऊंचे प्लेनेटरी माउंटेन और वॉल्केनो ओलंपस मॉन्स का पता चला। ये असल में मंगल ग्रह पर मौजूद एक एंशियंट वॉल्केनो है, जिसकी पीक हाइट करीब 24 किलोमीटर और जीरो लेवल से इसकी ऊंचाई करीब 27 किलोमीटर है, जो कि इसे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन और वॉल्केनो बनाती है। ये वॉल्केनिक माउंटेन हमारी धरती के सबसे ऊंचे माउंटेन माउंट एवरेस्ट से भी करीब 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। इसके आधार का डायमीटर करीब 624 किलोमीटर है, जो कि फ्रांस के एरिया से थोड़ा सा ही कम है, और इसके शिखर का डायमीटर लगभग 80 किलोमीटर है। दोस्तों, मार्स के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में थेरेसिस माउंटेन्स रीजन में स्थित इस जायंट मार्शियन वॉल्केनो का साइज का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका एरिया इटली और फिलीपींस देशों के एरिया के बराबर है, जो कि करीब 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसके शिखर पर 6 क्रेटर्स यानी गड्ढे हैं, जो कि लगभग 3 किलोमीटर गहरे हैं। अगर इसके कंपोजिशंस की बात की जाए तो ओलंपस मॉन्स में करीब 44% सिलिकेट्स, 17.5% आयरन ऑक्साइड, जो कि इसको लाल रंग प्रदान करता है, 7% एल्यूमिनियम, 6% मैग्नीशियम और 6% कैल्शियम पाया जाता है। मंगल ग्रह पर मौजूद इस विशाल माउंटेन के पीछे सबसे बड़ी वजह इसके वीक ग्रेविटेशन फोर्स को माना जाता है, और इसकी वजह से ही ये पर्वत इतना विशालकाय हो गया। इसके इतने बड़े आकार के पीछे वैज्ञानिकों द्वारा एक और थ्योरी पेश की गई, और वो है टेक्टोनिक प्लेट्स। चूंकि मार्स पर टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं पाई जाती हैं, जिस कारण करोड़ों सालों तक लगातार एक ही स्थान पर होते रहे लावा फ्लो की वजह से इतने विशाल वॉल्केनो का निर्माण हो गया। ओलंपस मॉन्स का अध्ययन सबसे पहली बार 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक जियोवेनिशिया परेरेली द्वारा किया गया, और उन्होंने ही इस विशालकाय माउंटेन की अनुमानित ऊंचाई बताई। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक शील्ड वॉल्केनो है, जिसका निर्माण विशालकाय वॉल्केनो की कंटिन्यूस लावा फ्लो की वजह से हुआ। पर वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि ये अभी भी काफ़ी एक्टिव वॉल्केनो है। मंगल ग्रह पर मौजूद कई और विशाल वॉल्केनो और माउंटेन्स की तुलना में ओलंपस मॉन्स सबसे नया वॉल्केनो है, और इसके कुछ हिस्सों का निर्माण कुछ करोड़ों साल पहले ही हुआ है। ऐसे में काफ़ी संभावना है कि ये अभी भी एक एक्टिव वॉल्केनो हो सकता है, जिसमें भविष्य में विस्फोट भी हो सकता है। ओलंपस मॉन्स का नज़दीकी से सबसे पहले अध्ययन मंगल ग्रह पर भेजे गए नासा के मैरियन 9 मिशन ने 1971 से 1972 के बीच में किया था, और इसी दौरान इसकी ऊंचाई और इसके एक वॉल्केनो होने की भी पुष्टि की गई, जिसके बाद नासा और ऐसा जैसी स्पेस एजेंसीज द्वारा भेजे गए स्पेस मिशंस ने इसका करीबी से अध्ययन किया। लेकिन दोस्तों, इसके अध्ययन में वैज्ञानिकों को बहुत सी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि ओलंपस मॉन्स मार्स के उस भाग में मौजूद है जहाँ सबसे ज़्यादा धूल भरे तूफान आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ रोवर्स यानी रोवर का पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वर्तमान समय में नासा के 3, ऐसा के 2 और इसरो का एक ऑर्बिटर मंगल ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है और इसका अध्ययन कर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे और भी कई रहस्य छुपे हो सकते हैं, जिनकी खोज करना अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। हम वापस आएंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।